जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए ब्लॉग के साथ आपके अपने चैनल पे। और मैं हूं आपका दोस्त दीपक सिंह, पत्रकार। दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं हिमाचल प्रदेश के किन्नौर वैली में, जहां पर मिलता है विश्व विख्यात सेब यानी कि वर्ल्ड फेमस एप्पल। यूँ तो पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में सेब की खेती होती है और सालाना लगभग 5,500 करोड़ से भी अधिक का कारोबार यहाँ पर होता है। उनमें बड़ा हिस्सा किन्नौर का होता है। किन्नौर का अधिकतर भाग लाहौल स्पीति और तिब्बत बॉर्डर के आसपास होने के कारण इसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है, जिसके कारण यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और यहाँ पर बर्फबारी भी ज़्यादा होती है। और जगहों की अपेक्षा यहाँ के सेब की बेहतर होने का एक कारण ये भी है। इस पूरे वीडियो में मैं आपको किन्नौर के सेब की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें। तो दोस्तों, मैं इस समय हूं किन्नौर के टंगलिन गांव में। दोस्तों, आपको लगता है कि किन्नौर में ही आखिर इतने ज़्यादा सेब क्यों होते हैं और इतने अच्छे क्यों होते हैं? तो मैं आज आपको इसका रीज़न बताना चाहता हूँ। रीज़न है, रवि भैया जैसे यहाँ के लोग, यहाँ के किसान, ये बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं और ये इस सेब की ज़रूरत को समझते हैं, इस पेड़ की ज़रूरत को समझते हैं कि आखिर क्या करने से हमारे पेड़ और अच्छे हो जाएंगे, हमारे सेब और स्वादिष्ट हो सकते हैं। और जैसे नॉर्मली हम लोग अपने यहाँ सुनते हैं कि हमें जब आंवले का पेड़ लगाना है तो कम से कम 2 पेड़ एक साथ लगाना है, ताकि वो दोनों पेड़ मेल फीमेल हों और आपस में वो परागण हो और फसल अच्छी हो। अगर आप आंवले का एक पेड़ लगाते हैं तो फिर फसल अच्छी नहीं होती है। तो इसमें क्योंकि पेड़ों में एक दूसरे से ही वो मेल फीमेल होते हैं और परागण होता है, ऐसे ही ये पूरा पेड़ है और इसमें बढ़िया फसल के लिए आपको जो है ये इस तरह से ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है। ये आप, मैं कहूँगा नितेश जी से ये दिखाएं, यहाँ पे ये एक जॉइंट है और इस जॉइंट से होता क्या है कि ये पेड़ जो है रेड एप्पल, ये फीमेल है। तो रेड एप्पल फीमेल होता है और ये जो ग्रीन एप्पल है, मैं नितेश जी से कहूँगा इसको दिखाएं, ये ग्रीन एप्पल ये मेल है और मेल की कुछ टहनियाँ हमको ले आके फीमेल पेड़ में ग्राफ्ट करना होता है, उन्हें उनकी कलम बांधनी होती है उनमें। और जब कलम बढ़िया से बंध जाती है, अच्छे से काम करता है, तो फिर आप देख सकते हैं कि किन्नौर के ये सेब इतने बढ़िया से फलते फूलते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ के किसान की मेहनत और उनकी टेक्निक, वो किस तरह से कलम लगाते हैं इसमें और किस तरह से इसमें मेहनत करते हैं और इनका ख्याल रखते हैं। ख्याल रखने की देन है कि ये एक और एक दो जगह पे और इस तरह की कलम है इस पेड़ पे और इस पूरे मजबूत से पेड़ में आप देख सकते हैं पूरा फल लदा हुआ है, क्योंकि एक ये मेल ग्राफ्ट है और दूसरा ये फीमेल प्लांट है और इस तरह से ये पूरा पेड़ एकदम लदा हुआ है। मैं आपको चाहता हूँ कि नितेश जी आप आएँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर फीमेल पेड़ तो आप ढेर सारे देख सकते हैं, पर इसी बगीचे में ये मेल पेड़ भी रखना पड़ता है और ये मेल पेड़ है यहाँ पर, और इसमें आप देखेंगे पूरे ये ग्रीन एप्पल्स लदे हुए हैं, ये मेल हैं। इनकी, इनका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है और इनकी जो स्किन होती है ये बहुत ही हल्की होती है, मतलब अगर आप पैक करके कहीं दूर लेके जाना चाहते हैं तो इनकी स्किन बड़े जल्दी रगड़ के ख़राब हो जाती है। आप अगर इसको यहीं खाते हैं तो इसका टेस्ट तो लाजवाब है, मतलब और जो सारे सेब हैं, वो चाहे गोल्डन रॉयल सेब हों, चाहे रेड रॉयल सेब हों या कहीं के भी हों, पर ये जो मेल सेब हैं इनके स्वाद की बात ही अलग होती है। और यही सेब हैं जो कि यहाँ के सेब को इतना मीठा बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। क्यों रवि भैया? और आपका ये मेल सेब जितना अच्छी क्वालिटी का होगा, आपके फीमेल प्लांट में जितना अच्छा ग्राफ्ट होगा, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। मैं एक बार टेस्ट करके देखता हूँ कि कैसा है इसका टेस्ट। बहुत मीठा। ये हमारे रॉयल जो रेड रॉयल सेब हैं उनसे कहीं ज़्यादा इनका टेस्ट मीठा है, स्वाद में थोड़ा सा, टेस्ट में थोड़ा सा मीठा है और थोड़ा सा ये सख्त सेब है और इसकी स्किन काफ़ी हल्की होती है रेड की अपेक्षा। तो आप जब किन्नौर आते हैं या कहीं सेब खाने जाते हैं तो इस तरह से आप उनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, खा सकते हैं और यहाँ के किसानों की सराहना कर सकते हैं, क्योंकि ये जब बहुत मेहनत करते हैं तब जाके हमें किन्नौर के ये मीठे, ताज़े और स्वादिष्ट सेब मिलते हैं। अगर आप ग्राफ्टिंग करने में कोई दिक्कत आपको आती हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि आप जहाँ पे कलम करके कलम बांधते हैं वहाँ कोई दिक्कत हो जाती है,
तो एक ऑप्शनल व्यवस्था और रहती है यहाँ किन्नौर के लोगों के पास, ये आप देख सकते हैं ना, जैसे कोई भी वाटर बॉटल हो या कोल्ड ड्रिंक बॉटल हो, या नीचे उसका कैप लगा हुआ है, ऊपर इसको बीच में से ऐसे काट के इस रस्सी के सहारे ऐसे यहाँ पे रस्सी इन्होंने लगाई और फिर ये यहाँ पे इसको लटका दिया और इसमें यहाँ का नॉर्मल पानी भर देते हैं। क्यों रवि भैया? इसमें नॉर्मल पानी भर देते हैं और उसके बाद जो है जो ग्रीन एप्पल है मीन्स जो मेल एप्पल है उनकी एक डाली काट लेते हैं। जैसे आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं ऐसा ही आप उसका फूल के साथ जिसमें फूल खिले हुए हों वो डाली काट लेते हैं छोटी सी और ले आके इसमें वो बकायदे इसको प्लग कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं और फिर उस फूल से भी इस पूरे पौधे में परपरागण हो जाता है और वो फूल लगभग 10 से 15 दिन 20 दिन तक इसमें सही सलामत रहते हैं और उन 15-20 दिनों में उस फूल से पूरे पौधे में परपरागण हो जाता है और पूरे पौधे फलों से सज जाते हैं। तो ये दो व्यवस्थाएँ हैं इनके पास कि एक तो ये ले आकर कलम भी बांध सकते हैं और इन केस अगर कलम नहीं काम करता है किसी कारण से सूख गया या कोई, क्योंकि कटने के बाद तमाम फंगस भी लग जाते हैं, तो ये सेकंड व्यवस्था रहती है कि अगर एक काम नहीं किया तो प्लान बी काम करेगा और इस तरह से ये होता है और पूरे से फिर लदे रहते हैं। और आप यहाँ के पेड़ों को देख सकते हैं, मैं नितेश जी से कहूँगा कि ये पेड़ दिखाएं आप, यहाँ पर पत्तियाँ कम हैं और फल ज़्यादा हैं और यहाँ पर कई पेड़ आपको ऐसे भी मिलेंगे कि जो ओवर फलों की वजह से टूट कर गिर भी गए हैं। तो ये है किन्नौर की टेक्नोलॉजी जिसके नाते इतने ज़्यादा सेब फलते हैं और मीठे सेब फलते हैं। पर परागण की इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि एक पुष्प के पराग को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की व्यवस्था। यहाँ के लोग इस पर परागण के लिए मधुमक्खियों का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर यहाँ के किसान अपने घरों में मधुमक्खियों का पालन करते हैं और जो लोग उन्हें नहीं पाल सकते हैं वो इस तरह के बॉक्सेस 2000 से लेकर 5000 रुपए तक के प्रतिमाह के किराए पर लेकर आते हैं और सीज़न में इस तरह से वो अपने पौधों पर परपरागण कराते हैं जिससे उनके पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फल देते हैं। ये सेब का पेड़ है, इसकी उम्र अभी मात्र 2 साल है और अभी इसकी एक बार भी ग्राफ्टिंग नहीं हुई है, इस वर्ष इसकी ग्राफ्टिंग संभव है। तो इस तरह से ये एक छोटा पेड़ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं किसान द्वारा यहाँ पर ये ग्राफ्टिंग की गई है, इस पर ये बाकायदे इसको फाड़ के और लगा के और इस तरह से किया है। इस पेड़ की उम्र लगभग 2 साल हो चुकी थी और अब इसमें ग्राफ्टिंग हो चुका है, धीरे धीरे आने वाले समय में इसमें भी फल लगना शुरू हो जाएगा और इसकी ग्रोथ। दोस्तों ये पौधा इसकी उम्र लगभग 6 से 7 साल है और कटिंग होते होते अब इसमें बढ़िया फल आने शुरू हो गए हैं। अभी वर्तमान में इसमें कम से कम 10 किलो से 15 किलो के बीच में सेब होंगे। इस पेड़ का तना लगभग 5 से 6 इंच मोटा होगा और इसमें सेब काफ़ी अच्छे फले हैं और इस सेब के पेड़ की उम्र लगभग 20 से 25 साल है और सेब के पेड़ की अधिकतम उम्र यहाँ के किसान बताते हैं कि वो लगभग 55 से 60 साल तक है। और मैंने अभी आपको सेब के तमाम चीज़ों के बारे में बताया, कैसे ग्राफ्टिंग होती है, कैसे क्या होता है और अब ग्राफ्टिंग के बाद जो एक बहुत ही समृद्ध और मजबूत पौधा तैयार हो चुका है वो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से एक ही पेड़ में 2 तरह के सेब हैं और दोनों जो है यहाँ पर बिल्कुल व्यवस्थित और मजबूती के साथ है। ये यहाँ पे लगा था कलम और ये था जो है गोल्डन एप्पल का कलम। यहाँ पे पेंट लगा देते हैं ताकि हमको याद भी रहे कि हाँ इस पे ग्राफ्टिंग हुई थी और फिर अगली बार उस हिसाब से फिर और ग्राफ्टिंग हो। तो ये जो ग्राफ्ट हुआ था वो इस गोल्डन एप्पल का हुआ था, ये मेल एप्पल है, मैं पहले बता चुका हूँ। और इस कलम को लगाने के बाद और इसमें फिर देखिए ये रॉयल है, तो ये इस पेड़ को बोलेंगे रॉयल गोल्डन का ग्राफ्टिंग प्लांट और इसमें आपको ये रॉयल रेड एप्पल भी मिलेंगे और ये गोल्डन एप्पल भी मिलेंगे और दोनों एक साथ है। और ये आपका जितना मजबूत होगा, जितना अच्छा होगा और इसकी ग्राफ्टिंग जितनी अच्छी हुई होगी उतना ही अच्छा आपका इसमें सेब का पैदावार होगा। एक बार नितेश जी से कहूँगा कि पूरा पेड़ दिखा दें, इसमें बहुत ही अच्छे सेब फले हैं क्योंकि इसकी ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी हुई है। और अगर किन्नौर का सेब है तो टेस्ट की तो कुछ बात ही नहीं है, टेस्ट तो शानदार होगा ही होगा। फिर भी मैं एक सेब इसमें से टेस्ट करके भी आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह का ये इसका है। ये है पूरा, ये आप देखेंगे इस तरह से ये एकदम पूरे गुच्छों में सेब निकले हुए हैं, इधर भी थे और काफ़ी सेब तो यहाँ पे गिर जाते हैं क्योंकि मौसम कुछ ऐसा है और प्लस इसमें पैदावार इतनी ज़्यादा हो गई है कि पेड़ अपनी क्षमता के हिसाब से सेब रखता है और उससे ज़्यादा यदि होता है तो वो गिरा देता है। और ये है सेब,
मैं कोशिश कर रहा था कि कोई एक सिंगल सेब मुझे मिले और मैं उसका टेस्ट लेके आपको बता पाऊँ। तो मैं आगे देखता हूँ और ये है आपके किन्नौर के सेब, और ये सब के सब अपने आप में खूब ब्रांचेस में है। और ये एक सेब है, मैं खा के इसका टेस्ट भी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिर कैसा है इसका टेस्ट। लाजवाब टेस्ट है दोस्तों, क्या ही कहना है ऐसे टेस्ट के बारे में। बहुत ही रस और बहुत ही मिठास के साथ किन्नौर के ये सेब आपको मिलते हैं, और इसमें किसान की मेहनत को हमें दाद देना चाहिए क्योंकि उनकी मेहनत है तभी ये सेब ऐसे हैं। और अभी ये सेब जैसे भी हैं, अभी ये टूटने के बाद इनकी पैकिंग होगी और ये जब रख दिए जाते हैं तो ये सेब लगभग मई जून तक चलते हैं और हम तक पहुंचते हैं। और ये सेब टूटने के बाद एक बार जब पैक हो जाते हैं और अगली जगह पर चले जाते हैं तो टूटने के बाद इनकी मिठास और बढ़ती है। ये इस सेब की खासियत है। क्यों रवि भैया? ये टूटने के बाद एक हफ्ते 10 दिन बाद इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से ये होती है किन्नौर के टंगलिन में या पूरे किन्नौर में सेब की ग्राफ्टिंग, उसकी खेती, उसका मैनेजमेंट, उसकी सेलिंग, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। दोस्तों इस बगीचे में घूमते हुए हमें बहुत अच्छा तो लग रहा है, पर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे दिल को दुखती हैं। बड़ा दर्द होता है इन बगीचों में घूमने के बाद, क्योंकि देखिए हम आम और अमरूद और बैर वाली जगहों से आए हुए हैं। हमारे यहाँ भी बगीचों में गिरते हैं पर इतने नहीं, और गिरते हैं तो उठाने वाले लोग हैं। पर इन बगीचों में जहाँ सेब हमारे लिए बहुत कीमती है, और किन्नौर का सेब जो हमें मिलता नहीं है वो यहाँ पर आपको अमूमन हर जगह गिरा हुआ मिलेगा। मैं नितेश जी से कहूँगा कि ज़रा वो दिखाएं नीचे, ये घासों के बीच में, ये देखिए यहाँ सेब गिरे हैं, ये सेब, और ये देखिए ये ऐसे हवाएं चलती रहती हैं, ये देखिए इतने सुंदर साफ ये सेब यहाँ पर जो है ये ऐसे ही नॉर्मल गिरे रहते हैं। और इन्हें देखकर हमारे आप जैसे जो लोग हैं उन्हें तकलीफ़ होना लाजमी है, क्योंकि हम अपने यहाँ जब 20-25 रुपये देते हैं तब जाके ये एक सेब पाते हैं, वो भी नॉर्मल सेब, किन्नौर का सेब नहीं। और यहाँ पर ये सेब ऐसे ही बिल्कुल लावारिस स्थिति में पड़े रहते हैं। किसान आते हैं, इन्हें लेकर जाते हैं, इनकी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, ज़्यादातर इन्हें काट कर सुखा देते हैं, सुखाने के बाद इनका जानवर भी खाते हैं और किसान भी इसको खाते हैं। और जो सेब एकदम पिघल जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं उनका यहाँ पर सड़ाकर शराब भी बन जाती है। तो ये यूज़ तो होता है पर पूरा यूज़ नहीं हो पाता, और ऐसा गिरा हुआ सेब देखकर हमें बड़ी तकलीफ़ होती है। पर क्या करें, ये प्रकृति है, ये अपने आप को बैलेंस करने के लिए अगर फल ज़्यादा हुए तो वो नीचे ड्रॉप करती रहती है और जैसे देती है वैसे लेती है, पर हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ़ वाली बात होती है। पर क्या करें, जो व्यवस्था चल रही है वो चल ही रही है, और इसमें किसी इंसान, जानवर या एटमॉस्फेयर का कोई दोष नहीं है। ये क्रमिक प्रक्रिया है, ये हर वर्ष होगी, चाहे जितनी कम मेहनत करें या ज़्यादा मेहनत करें, कोई पानी दें कोई खाद दें, फिर भी ये सेब गिरना ही गिरना है। तो हम भी इसे देखते हैं और हम चलते हुए कोशिश करते हैं कि कोई सेब हमारे पैर के नीचे आ ना जाए, लेकिन फिर भी हम इस बगीचे में लगभग आधे घंटे से टहल रहे हैं और जाने अनजाने में हमसे नहीं तो कम से कम 4-5 किलो सेब तो दबे ही होंगे पैरों से। तो ये थोड़ी सी तकलीफ़ भी होती है, पर क्या करें, ये ऐसा ही है। तो ये है मेरे साथ रवि भैया। रवि भैया, ये सेब कब इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है, कब इनका जो है देख रेख शुरू होता है कि बढ़िया पैदावार इसमें हो? सबसे पहले तो हमारा ऐसा है कि अप्रैल में सबसे पहले कटिंग करते हैं हम, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने हमारा कटिंग चलता है सेब का। उसके बाद कलम का टाइम पीरियड रहता है हमारा अप्रैल मई, हम उसमें कलम करते हैं अप्रैल मई में। अच्छा, और फिर कलम करने के बाद कोई और प्रोसेस दवाओं का या कुछ ऐसा? नहीं, कलम करने के ऐसा कुछ नहीं, बाकी इसका आपका 6-7 महीने का आपका पत्ते आना स्टार्ट रहता है, तो उसके जो कलम की प्लास्टिक लगाई होती है उसको खोलना पड़ता है इसमें। अच्छा, कलम करके वो प्लास्टिक जो लगाते हैं उसको आपको फिर बाद में खोलना पड़ता है।
अच्छा, लगभग एक पेड़ में आपको कितना टाइम लग जाता होगा छांटने में, कलम करने में और इसको तैयार करने में? तो आपका एक पेड़ में कटिंग करने के लिए कम से कम एक घंटा नॉर्मल पेड़ के हिसाब से, जितना बड़ा पेड़ होगा उतना टाइम लगेगा, छोटे पेड़ों में उतना कम समय लगता है हमारा। अच्छा, तो फिर वो ग्राफ्टिंग वगैरह करके फिर आप छोड़ देते हैं? तो क्या इनमें बीच बीच में कोई दवाओं की ज़रूरत पड़ती है या बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मली ये हो जाते हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर में? आजकल वैसे क्लाइमेट की वजह से थोड़ा बीमारियाँ ज़्यादा हो गए, बाकी तो आप नेचुरल वही से मिलता था आपका, ऑर्गेनिक से जी। तो अभी थोड़ा बहुत जो है कि क्लाइमेट की वजह से जो पॉल्यूशन और ये सब सारी चीज़ें हुई, इसकी वजह से थोड़ी बहुत दवाओं की ज़रूरत पड़ जाती है। वो ग्राफ्ट यहाँ पे है वहाँ के लिए। सेब तो बाकी सारे नेचुरल ही हैं, सेब फलने के बाद इस पर किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा जी, तो लगभग कितना बड़ा आपका बगीचा है, कितना सेब हो जाता होगा आपका एक सीज़न में? मेरा अभी यहाँ पे तो अभी इसमें यहाँ पे कम से कम 250 यहाँ निकलता है और एक बगीचा है वहाँ 300-400 बॉक्स वहाँ निकलता है। अच्छा, तो लगभग 600 बॉक्स के करीब। एक बॉक्स में कितना केजी सेब आता होगा? 24-25 किलो तक। अच्छा, 24-25 किलो एक एक बॉक्स में आपके सेब आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर ये सेब की सेलिंग का काम आपका कैसा होता है, क्या आप खुद ले जाके मंडी में बेचते हैं या फिर? हम खुद ही ले जाते हैं जी, बाकी यार ठेकेदार ठेके भी लेते हैं, मैं तो खुद अपना सेब खुद ही ले जाता हूँ बेचने के लिए। अच्छा, फिर ये सेब तोड़ने का काम और इनकी पैकिंग का काम ये सब कैसे होता होगा? ये स्पेशल पैकर आते हैं जो हमारे यहाँ पे काम ले, उनसे पैकिंग करवाते हैं। अच्छा जी, तो इसके लिए बकायदे पूरे आपके पास लेबर आते हैं जो सेब तोड़ने का काम, पैकिंग करने का काम और फिर इनको गाड़ियों तक लोड करने का काम करते हैं? फिर आप खुद उनके साथ जाते हैं मंडी? और मंडी कहाँ पे होती है आप लोगों की? ये आप हिमाचल में हर जगह मंडी लगी हुई, वैसे हम दिल्ली चंडीगढ़ तो यहाँ बेचते हैं सेब। अच्छा जी, तो ये सेब तोड़ के बेचने का काम आपका कब तक कंप्लीट हो जाता है? ये आपका अक्टूबर नवंबर तक चलेगा। अच्छा, नवंबर तक चलेगा और फिर नवंबर के बाद यहाँ पे भारी बर्फबारी और सारी चीज़ें फिर सब कुछ ठप हो जाता है। अच्छा जी, ठीक। ये थे हमारे साथ रवि जी जो कि किन्नौर के ही रहने वाले हैं, किन्नौर के इस तंगलिन गांव के, और यहाँ पर इनके 2-3 बगीचे हैं। कुल मिला के लगभग 600 पेटी सेब आप यहाँ पर प्रोड्यूस कर लेते हैं और एक पेटी में 24-25 किलो सेब होते हैं और इन्हें पूरा तोड़ने का काम, पैकिंग का काम आप आदमी लगा के करते हैं और फिर यहाँ की मंडियों में उसे सेल कर लेते हैं। और ज़्यादातर तो मुझे लगता है कि किन्नौर के सेब हम सबको खाने को नहीं मिलते हैं क्योंकि ये पूरे भारत के सबसे अच्छे सेब की क्वालिटी प्रोड्यूस करने वाली जगह है किन्नौर, और ये सेब ज़्यादातर एक्सपोर्ट हो जाता है विदेशों में। तो ये विदेशी समझिए कि सेब है एक तरह से, जो कि हम लोगों को जल्दी नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को अगर किन्नौर का ओरिजिनल सेब खाना हो तो आप यहाँ पे सेब के सीज़न में आ सकते हैं। रवि भैया हैं और भी तमाम लोग हैं, आप उनसे मिल के उनके बगीचों में जा सकते हैं, बातचीत करके जैसे मैंने सेब खाया आप भी वहाँ पर खा सकते हैं, क्योंकि ये लोग सेब जितना मीठा होता है बस उतने ही मीठे ये लोग भी होते हैं, सेब जितना हेल्दी होता है उतने ही अच्छे ये लोग भी होते हैं। तो आप अगर आप इनके पास आते हैं, बातचीत करते हैं, प्रेम से इनसे मिलते हैं तो आप कुछ भी यहाँ आकर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आकर आपको अपनी मर्जी नहीं चलानी है, इनसे मिलना है, बात करना है, इनके बगीचों में जाना है, आप इनसे मिल सकते हैं, रह सकते हैं और सेब का लुत्फ़ उठा सकते हैं, यहाँ के शानदार मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। वीडियो को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी किन्नौर आएँ यहाँ आएँ, सेब खाएँ। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।